रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास इंग्लिश टेक्स्ट बुक से आज हम डिस्कस करेंगे पोएम को। पोएम का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और यूनिट नंबर 8 है आपकी बुक पे। पोएम है, उसके स्टेंजा को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें से कुछ वर्ड्स मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे और जो है वो इसको थीम को देखेंगे ताकि हम समरी प्रिपेयर कर सकें। तो अपनी बुक्स ओपन कीजिए। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। स्टॉपिंग, कयाम करना, रुकना। वुड्स, जंगल। स्नोवी, सर्द शाम, ठंडी शाम, बर्फीली शाम। वर्ड स्नोवी सर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठंडी के लिए भी इस्तेमाल होता है, बर्फीली के लिए भी इस्तेमाल होता है। इवनिंग, शाम को। तो इस पोएम का कंप्लीट नेम बनेगा एक सर्द शाम को जंगल में कयाम। फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, whose woods these are, I think I know. Whose, किसके woods, जंगल, these, ये are, हैं। ये जंगल किसके हैं, ये जंगल किसके हैं, I think I know, मेरा ख्याल है, आई थिंक मेरा ख्याल है, आई नो मैं जानता हूं। हूज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, मेरा ख्याल है, मैं जानता हूं कि ये जंगल किसके हैं। नो, जानना। वुड्स, जंगल। सेकंड लाइन है, His house is in the village, तो basically poet जो है वो एक ऐसी scenery पर पहुंचा है जहां पर जंगल है, बर्फबारी होकर जंगल के ऊपर सफेद बर्फ की तय है, एक दरमियान में जो नदी है जंगल के वो जम चुकी है ठंड की वजह से, और शाम का वक्त हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, वो अपने घोड़े के साथ वहाँ पे ट्रैवल करते हुए पहुँचा है। तो उस सीन को, उस मंज़र को उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उस सीन को बयान करने की कोशिश की है। तो दूसरी लाइन में पोएट कहता है, हिज हाउस इज इन द विलेज, थो उसका घर, हिज हाउस उसका घर, इज है इन द विलेज गांव में, तो अगरचे, अगरचे उसका घर इसी गांव में होगा, करीबी गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो ही वो विल नॉट सी नहीं देखेगा मी मुझे स्टॉपिंग हियर यहां पर रुका हुआ। कहता है ये जंगलात किसके हैं, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ, और उसका घर गांव में है अगरचे, फिर भी वो मुझे यहाँ पर ठहरा हुआ नहीं देखेगा। He will not see, वो नहीं देखेगा मी मुझे stopping here, ठहरा हुआ, वो मुझे यहाँ पर ठहरा हुआ नहीं देखेगा। To watch, कि मैं क्या कर रहा हूँ, to watch, देख रहा हूँ या देखते हुए, His words, उसके जंगल को, फील अप विद स्नो, जो बर्फ से ढका हुआ। शायर कहता है मैं जानता हूं ये जंगल किसका है, उसका घर गांव में होगा, लेकिन फिर भी वो मुझे उसके जंगल में यहां खड़े होकर बर्फ से ढके हुए देखने को, बर्फ से ढके हुए जंगल के, मेरा देखना जो मैं इसको देख रहा हूं इस चीज का, वो नहीं देखेगा, उसको पता नहीं चलेगा। मेरा यहां ठहरना और मेरा उसके जंगल को देखना, वो नहीं देखेगा। मैं यहां ठहरा हूं, उसके जंगल को देख रहा हूं, बर्फबारी को देख रहा हूं, लेकिन वो ये नहीं देखेगा।
माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा घोड़ा, मेरा घोड़ा मस्ट थिंक इट क्वीन। वो इसको हैरान कौन समझेगा, अजीब बात समझेगा, मेरे घोड़े के लिए यहाँ ठहरना अजीब है। माई लिटिल हॉर्स, मेरा घोड़ा मस्ट उसके लिए है थिंक अक्वीर, अजीब बात, ऐसी बात जो मामूल से हटकर हो, जो किसी रूटीन से, किसी मैटर से हटकर हो। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, अब उसके हॉर्स के लिए क्या अजीब बात होगी। टू स्टॉप रुक जाना विदाउट अ फार्म हाउस नियर, किसी करीबी घर के बगैर। फार्म हाउस घर को बोलते हैं, खेतों में, जंगल में बनाया गया घर फार्म हाउस कहलाता है। तो इसी चीज को मेरा बिना किसी कयामगा के, बिना किसी घर के, यहां पर रुके हुए हो, ठहरे हुए को, रुके हुए को मेरा घोड़ा भी अजीब समझेगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीन टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, मेरा घोड़ा बिना किसी पड़ाव के, बिना किसी ठहरने के मकाम के, बिना किसी फार्म हाउस के, बिना किसी घर के, यहां पर ठहरने को अजीब समझेगा। बिटवीन द वुड्स, जंगल के दरमियान, एंड फ्रोजन लेक और जमी हुई झील के दरमियान, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर और साल की स्या तरीन शाम के दौरान, मेरा यहां बिना किसी घर के रुकने को मेरा घोड़ा अजीब समझेगा। बिटवीन द वुड्स, जंगल के दरमियान, एंड द फ्रोजन लेक, बिटवीन ये एक टर्म है, जब किसी चीज का जिक्र, किसी बात का जिक्र दो चीजों में हो तो हम बोलते हैं बिटवीन, और जब ज्यादा चीजें हो तो फिर हम बोलते हैं अमंग। फॉर एग्जाम्पल, दिस ट्री इज बिटवीन दैट एंड दैट, ये दरख्त उस और उस दरख्त के दरमियान है। जैसे यहां इस सेंटेंस में भी यही यूज किया है उसने, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जमी हुई झील और जंगल के दरमियान। अगर यहां चीजें ज्यादा होती तो फिर वो यहां पे वर्ड्स यूज करता अमंग। जैसे हम क्लास में बोल देते हैं, ही इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय अमंग द क्लास, ये क्लास का सबसे जहीन लड़का है, तो क्योंकि लड़के ज्यादा होते हैं इसलिए अमंग होगा। तो जब कंपैरिजन दो के दरमियान होता है तो हम बिटवीन बोलते हैं। में बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जमी हुई झील और दरख्तों के दरमियान, द डार्केस्ट, डार्क अंधेरे को बोलते हैं एडजेक्टिव को, ये एडजेक्टिव है और यहां पर इसकी थर्ड डिग्री यूज हुई है, द डार्केस्ट इवनिंग, स्याह तरीन शाम ऑफ द ईयर इस साल की। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, ही गिव्स वो देता है हिज हार्नेस बेल्स, अपने गले की घंटी। हार्नेस बेल, किसी भी पालतू जानवर के गले में घंटी बांधी जाती है जिससे उसकी मौजूदगी, उसके हरकत करने का पता चलता है। अमूमन रेवड़ में भेड़ों बकरियों को पहनाई जाती है, बड़ी भैंसों के गले में भी डाल दी जाती है, उससे मालिक को उसके चरने फिरने और मौजूद होने का पता चलता रहता है, घंटी की आवाज सुनते हुए कि वो अभी करीब है। तो इसी तरह पोएट कहता है कि मेरा जो घोड़ा है वो अपने गले में बंधी घंटी को गर्दन हिलाकर उसको बजाता है, बेल्स शेक हिलाकर, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि कुछ गलत हुआ। यहां पर अब वो शायर पोएट कुछ ऐसे करेक्टर बयान कर रहा है जो कि ह्यूमन बीइंग में होते हैं। अब घोड़ा तो सावधारे जबान से नहीं पूछेगा,
कि हम यहाँ क्यों रुके हैं, क्या मसला है, किस रीजन से हम ठहरे हैं यहाँ पर। तो शायर इस चीज के लिए सिमिली यूज कर रहा है। ही गिव दिस हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि क्या कुछ गलत हुआ है। द ओनली अदर साउंड्स द वीप ऑफ इजी वेंट एंड डॉनी फ्लेक, द ओनली अदर साउंड, एक और आवाज, सिर्फ एक और आवाज, द स्वीप ऑफ द इजी विंड, जो कि हवा के तेजी से गुजरने की है, स्वीप तेजी से, एक और आवाज वहां पर मौजूद है, यानी घोड़े की घंटी के बजने के अलावा। शायर कहता है एक आवाज और भी है, द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ द इजी विंड, चलती हुई तेज हवा की, एंड डाउनी फ्लेक, एंड डाउनी नरम, फ्लेक बर्फ के गोले, यानी जब बर्फबारी हो रही होती है तो वो सफेद सफेद छोटे छोटे बारीक जो है वो आइस के टुकड़े जमीन पर गिर रहे होते हैं, उनको उसने फ्लेक का नाम दिया है। लेकिन ये साथ बताया है कि वो बहुत डाउनी है, यानी नरम है। द ओनली साउंड्स द स्वीप ऑफ द इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, नरम गोलों और तेज हवा की आवाज, घोड़े की घंटी के अलावा वहां पर तेज हवा की आवाज है और नरम गोलों की, बर्फ के नरम गोलों की आवाज है। वुड्स आर लॉली, ये जंगल बहुत प्यारा है, डार्क एंड डीप, घना और तारीक है, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मैंने बहुत सारे वादे पूरे करने हैं, प्रॉमिसेस वादे, टू कीप पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स, और कई मील का मैंने सफर करना है, आई स्लीप सोने से कबल, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और बहुत सारे मील सफर मुझे तय करना है, जो अभी मेरा रहता है, पेंडिंग है, उसे मैंने तय करना है। लास्ट स्टैंजा को एक्सप्लेन कर रहा हूं। शायर कहता है कि ये सीन बहुत खूबसूरत है, ये जंगल बहुत खूबसूरत है, जमी हुई नदी है, बर्फबारी है, मेरा घोड़ा अपने गले की घंटी को हिलाकर ये पूछता है क्या कुछ गलत हुआ है, तेज हवा की आवाज है, नरम नरम गोले बर्फ के गिरने की आवाज है, तारीक शाम है, इस सब खूबसूरत मंजर के बावजूद शायर कहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मेरे कुछ वादे हैं जिन्हें मैंने पूरा करना है। दरअसल शायर यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों का जिक्र कर रहा है जो हर इंसान के साथ होती हैं, कि मैंने कुछ जिम्मेदारियां और फराइज अदा करने हैं, पूरे करने हैं, मैं यहाँ इतनी देर नहीं ठहर सकता, मैं यहाँ कयाम नहीं कर सकता, मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरे कुछ वादे हैं, कुछ लेन देन हैं, कुछ फ़राइज हैं जो मैंने अभी अदा करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से कबल अभी मैंने बहुत सा सफ़र तय करना है। यहाँ पर इसको डिफरेंट वे से एक्सप्लेन किया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं यहाँ पर शायर ये कह रहा है कि सोने से मुराद मौत है। शायर कहता है कि मैंने मरने से पहले बहुत सा सफर तय करना है, और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुझे सोने से पहले मीलों का सफर तय करना से मुराद कि अभी मैंने बहुत सारी जिंदगी के मामलात हैं उनको देखना है।
तो शायद दरअसल ये कहना चाहता है कि मैंने अभी बहुत सारे मामलात को देखना है, अपने वादों को पूरा करना है, अपने फ़राइज़ को पूरा करना है। अगरचे ये जंगल खूबसूरत है, तारीख है, प्यारा है, नदी है, लेकिन मैं यहाँ ठहर नहीं सकता, मुझे इन फ़राइज़ को अदा करना है। ये वर्ड्स मीनिंग में से जो थोड़ा टफ थे वो मैंने लिखे हैं, फ्लेक बर्फ़ का गोला, डाउनी नरम, स्वीप तेज़ी से, कुईर अजीब होना, अजीब लगना, बाकी तमाम इजी वर्ड्स थे, इसलिए उसको जो है वो एक्सप्लेन किया साथ साथ। आपने इसमें प्रिपेयर करना है सेंटेंजा को और वर्ड्स मीनिंग को, लेकिन मेन चीज़ जो आपने डायरी में है वो है इसकी समरी। आपके पास सर जुबैर के नोट्स मौजूद होंगे, वहाँ से आपने समरी को प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह समरी लर्न करनी है, उसको जो है लिखना है और मुझे सेंड करना है। ये आज की डायरी थी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।